कुशीनगर में हिंदू विवाहिता समेत उसके चार बच्चों का धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुशीनगर एसपी संतोष मिश्रा ने मामले का खुलासा किया है। धर्मांतरण करवाने वाले दो शातिर वांछित अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोतवाली हाटा पुलिस को पीड़ित महिला के पति ने तहरीर दी कि उनकी पत्नी और उसके चार बच्चों को पड़ोस के दो मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन कराने की नीयत से अपहरण कर ले गए। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना कोतवाली हाटा को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देते हुए जल्द ही मामले के खुलासे के निर्देश दिए, जिसके बाद हाटा कोतवाली पुलिस ने मामले के 7 दिन बाद कोतवाली हाटा और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने ताहिर अंसारी और अब्दुल सत्ता को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले का खुलासा किया। बदमाश व्यक्ति है अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी। ये लक्ष्य जनपद कुशीनगर में एक अवैध धर्म परिवर्तन का मामला आया है, जिसको कि वर्कआउट कराया गया है। थाना हाटा पर 16 अगस्त को लक्ष्मण प्रजापति, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि इनकी पत्नी पूजा देवी इनको कुछ मुस्लिम युवक फंसाकर भगा ले गए हैं। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करा के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है और इससे संबंधित दो व्यक्ति अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी इनकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में ये निकल कर आया है कि ये दोनों जो बदमाश व्यक्ति हैं अब्दुल सत्तार और ताहिर अंसारी, ये लक्ष्मण प्रजापति की पत्नी पूजा देवी जो कि उसी गांव की रहने वाली है उसे फ़ोन के माध्यम से बहलाया फुसलाया और उसके बाद 7 अगस्त को गोरखपुर में ये मुंबई से आया और महिला को चार बच्चों के साथ वो भगा कर लेके गया अवैध धर्म परिवर्तन के मकसद से।